नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, कैसे हम लोग फीडबैक ट्रांसमीटर का फीडबैक हम लोग सेट करते हैं 4 to 20 मिलियम्स डीसी जो जाता है हमारे कंट्रोल रूम पीएलसी में कि कितने परसेंट हमारा वॉल ओपन है, क्लोज है, ठीक है। तो इसका फीडबैक हम लोग का क्या होता है कि एरर आता है, जैसे मान लीजिए हमने 25% ओपन किया तो 20% दिखाता है या 30% दिखाता है, थोड़ा मोड़ा एरर रहता है। तो उसको कैसे हम लोग सेट करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे। तो ये है फो मार्शल का इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे इनपुट आउटपुट के कनेक्शन होते हैं। ये हमारे ऊपर के जो दो वायर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे साइड में आपको यहाँ पे आउट दिख रहा है, ठीक है। तो ये फीडबैक वाले दो कनेक्शन हैं और ये इनपुट वाले हैं। इनपुट हमारा 24 वोल्ट 4 to 20 मिलियम्स का कमांड आता है और आउटपुट हमारा 4 to 20 मिलियम्स का कमांड जाता है यहाँ से। और डीसीएस से इनमें 24 वोल्ट का सप्लाई आता है दोनों वायर में, ठीक है। तो इसका फीडबैक हम लोग कैसे सेट करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसका कवर ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपको ये पायलट वॉल दिख रहा है, ये हमारा पायलट वॉल है। ये हमारे दो गेज लगे हुए हैं, ये इनपुट एयर सप्लाई के लिए है, ठीक है। एज पर कंट्रोल वॉल आपका कितना प्रेशर है, कंट्रोल वॉल का जो सप्लाई प्रेशर कितना रेंज है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना है रेगुलेटर से। और ये आपका दूसरा वाला गेज जो है वो आउटपुट एयर प्रेशर सप्लाई है जो आपके डायफ्राम में जाएगा कंट्रोल वॉल के, ठीक है। कितना ओपन करना है, क्या क्लोज करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ से आप इसको जीरो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वॉल को। और ये आपका स्पैन कैलिब्रेशन के लिए है। तो हम लोग अभी कैलिब्रेशन भी करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद फिर इसका सेट करेंगे हम लोग मिली एम्पियर। तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और मैंने बहुत सारे वॉल्स का जो है कैलिब्रेशन और उनका कैसे मेंटेनेंस करते हैं कंट्रोल वॉल का, सारे के सारे बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं और अपने प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट अपने आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उनका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो पीएलसी डीसीएस स्काडा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एनालाइजर्स बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ इसका कैलिब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप जैसे मान लीजिए मैंने कनेक्शन निकाल रखे हैं, तो कैसे इसका कैलिब्रेशन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एयर सप्लाई चेक करना है इनपुट में, एयर सप्लाई आपकी ओके है या नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा वॉल, तो इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा वॉल ओपन क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन क्लोज होता है। अब यहाँ से आप जीरो एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैं इस साइड इसको मूव करूँगा तो नीचे गेज में देखेंगे एयर का सप्लाई यहाँ से इंक्रीज होने लगेगा, तो ये आप देख सकते हैं। और वॉल भी हमारा ओपन होने लगा, ठीक है। तो आपको कैसे जीरो कैसे करना है, अब ये हमारा कंट्रोल वॉल एयर टू ओपन कंट्रोल वॉल है, ठीक है। तो एयर टू ओपन है मतलब जितना एयर आएगा तो ये ओपन होगा। तो हमको क्या करना है, इसको जीरो करना है, एकदम एकदम फाइन ट्यूनिंग करना है धीरे धीरे कि ये जीरो हो जाए और हमारा कंट्रोल वॉल भी जीरो पोजिशन पर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमको जीरो सेट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ये अभी प्रेशर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कुछ प्रेशर आ रहा है, तो इसको अभी मुझे जीरो करना है इस प्रेशर को। तो मैं इसको ना धीरे धीरे एंटी क्लॉक वाइज में मूव करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं एंटी क्लॉक वाइज में जैसे जैसे मूव करूँगा तो ये धीरे धीरे डाउन होगा और हमारा जो कंट्रोल वॉल थोड़ा सा जो ओपन हो चुका है वो भी पूरा जीरो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेशर देखिए, आप यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। मैं इसको धीरे धीरे एंटी क्लॉक वाइज में मूव कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा ये गेज हमारा, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही जीरो पे हो जाएगा तो आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। तो ये हमारा अभी इस समय जीरो हो चुका है, मतलब आपका कंट्रोल वॉल जो है जीरो पोजीशन पे सेट हो चुका है, जीरो कैलिब्रेशन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 मिलियम्स का कमांड देंगे तो वहाँ पर हम लोग स्पैन सेट कर देंगे अगर डिस्टर्ब होगा तो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से स्पैन आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपका इसका फीडबैक कैसे सेट करते हैं, जीरो पे कितना मिलियम्स आउट कर रहा है वो मैं अभी दिखाऊंगा।
25 पे, 50 पे, 75 पे और 100 पे कितना फीडबैक आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखा भी है आपका, यहाँ पे लिखा है जीरो स्पैन, तो ये जीरो के लिए है ऊपर वाला और नीचे वाला स्पैन सेट करने के लिए है। तो अभी मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने मिलियम सोर्स से कनेक्शन कर दिए हैं। 4 to 20 मिलियम्स का कमांड देंगे यहाँ पे और फीडबैक को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है मल्टीमीटर से, ठीक है। तो एक वायर जो डीसीएस से आया है वो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वायर हमारा मल्टीमीटर में कनेक्ट है और इसका एक दूसरा वायर मल्टीमीटर में कनेक्ट है। ये हमारा मिलियम्स है, ठीक है, 4 मिलियम्स का, और ये फीडबैक है 7 मिलियम्स आउट कर रहा है, मतलब अभी जीरो पोजिशन पर 7 मिलियम्स आ रहा है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, अभी कैलिब्रेशन करेंगे हम लोग मैनुअली, ठीक है। तो मैनुअली कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया उस समय सप्लाई बंद थी इसलिए वहाँ पे जीरो हो गया था, लेकिन अभी 4 मिलियम्स आ रहा है तो 3 to 15 PSI के अकॉर्डिंग क्या है ना, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से आउट कर रहा है और हमारा कंट्रोल वाल्व थोड़ा सा ओपन हो रखा है। तो अभी इस पोजिशन पर मैं क्या करूँगा, इसको जीरो कैलिब्रेशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं जीरो कैलिब्रेशन कर देता हूँ, इसको जीरो सेट कर देता हूँ। तो ये प्रेशर हमको जीरो करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रेशर को हमको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। तो अभी ये धीरे धीरे जीरो हो रहा है और हमारा वॉल भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा जीरो पोजीशन पे हो गया है यहाँ पे, और हमारा वॉल भी थोड़ा सा ओपन हो गया था, अभी ये भी जीरो हो गया है। और अब देखते हैं मिलियम्स हमारा फीडबैक का क्या आ रहा है। तो फीडबैक का मिलियम्स 4.75 आ रहा है, थोड़ा सा इसको सेट करेंगे 4 पे। तो चलिए इसको ना थोड़ा सा एक बार 100 तक लेके चलते हैं और देखते हैं कितना अभी डिफरेंस आ रहा है हमारे एक्चुएटर में, मिलियम्स में जो हमारा फीडबैक है और कमांड में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए अभी 8 करते हैं, तो 8 पे हमारा वॉल ओपन हुआ और 8 पे 7 मिलियम्स आ रहा है, मतलब थोड़ा सा फीडबैक कम आ रहा है, ठीक है। 12 में भी 1 मिलियम्स कम आ रहा है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ वॉल की पोजीशन दिखा दूँ, तो वॉल की पोजीशन आप देख सकते हैं 50% ओपन हो चुका है और प्रेशर भी, गेज में प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको मैं 16 करता हूँ, 16 कर दिया मैंने, और 16 में आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है 1 मिलियम्स के आसपास, और 20 में भी कम है अभी मिलियम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा वॉल पूरा 100% ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अभी हमको सेट करना है, जीरो और स्पैन दोनों सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीरो सेट करेंगे, इसको जीरो कैसे करेंगे, इसको 4 कर देते हैं हम लोग, तो अभी मैंने 4 कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जीरो हो चुका है हमारा गेज में और कंट्रोल वॉल्व भी पूरा जीरो पोजीशन पे आ चुका है, लेकिन हमारा मिलियम जो फीडबैक वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है 4.75, तो इसको हमको 4 करना है, ठीक है। 4.00 या थोड़ा सा रहेगा 4.01, तो देखते हैं कितना एडजस्ट हो सकता है, ये कोशिश करेंगे पूरा 0.00 करने का। 2 स्विच दिखाए थे यहाँ पे, ऊपर लिखा हुआ है जीरो और नीचे वाले में स्पैन, दोनों लिखा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी जीरो कर रहे हैं तो जीरो वाले को हम लोग मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो देखते हैं इसका मिलियम्पियर कम होता है क्या। तो यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ, ये जीरो वाला है, तो यहाँ पे आप देखते रहिए और उसको मूव कराते रहिए बहुत स्लोली। तो आप देख सकते हैं ये मिलियम्पियर जो है इसका कम हो रहा है, ठीक है। और इसको 4.00 कर देंगे पूरा प्रॉपर, तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि इसका मिलियम्पियर कैसे सेट करते हैं फीडबैक वाले का, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं,
अभी आप देख सकते हैं 4.00 4.00 4 मिलियम्स का कमांड है और फीडबैक भी पूरा प्रॉपर निकल लेआउट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको फिर से हम लोग 100 तक लेके जाते हैं और देखते हैं कितना अभी 100 पे कितना डिस्टर्ब है। तो इसको मैं पूरा एक बार 20 लेके जाता हूँ। तो 20 पे अभी 2 मिलियम्स का जो है इस पर वेरिएशन है, डिस्टर्ब है, ठीक है। तो मतलब हमारा फीडबैक थोड़ा कम दिखाएगा, हमने 20% हमारा वॉल भी पूरा फुल ओपन हो चुका है बट हमारा जो है फीडबैक कम जाएगा। तो क्या करेंगे, अब स्पैन वाले स्विच से थोड़ा सा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे और इसको 20 मिलियम सेट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पैन वाला है और मैं इसको धीरे धीरे मूव कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है और बहुत फास्ट इंक्रीज होता है, तो इसको बहुत स्लोली आपको मूव कराना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा 20 पे 20 मिलियन सेट हो चुका है हमारा फीडबैक। तो अभी प्रॉपर फीडबैक जाएगा हमारे डीसीएस में, ठीक है। तो अभी एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, पूरा जीरो तक चेक करेंगे, फिर जीरो से 100 पूरा चेक करेंगे, बीच में डिस्टर्ब है क्या वो भी देखेंगे। वैसे होना नहीं चाहिए बीच में डिस्टर्ब, अगर आपने जीरो और स्पैन सेट कर दिया तो बीच में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब था 1 मिलियन्स के आसपास जो है डिस्टर्ब था, तो अभी ये 0.4 के आसपास 0.5 के आसपास रहेगा, ठीक है। और 12 पे भी प्रॉपर आ चुका है, अभी 8 पे भी ठीक है और 4 पे देख लेते हैं 4 पे क्या 4 है क्या। तो 4 पे आप देख सकते हैं पूरा एग्जैक्ट एकदम सेट हो चुका है और फिर से इसको 100 तक चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इसका फीडबैक हम लोग सेट करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।